कैसे हो आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टूडे वी आर डूइंग चैप्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि हमारी बॉडी के हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लेट्स स्टार्ट द चैप्टर our body is a wonderful creation of god it is made up of many parts each body part has a unique and particular name look at body of a child given below also read the names of the body parts हमारी जो बॉडी है वो भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाई है एक वंडरफुल क्रिएशन है गॉड की और हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है ओके और हर एक पार्ट को अलग अलग पर्टिकुलर नाम दिया गया है जैसे एक बच्चे की बॉडी यहाँ दी गई है तो बॉडी पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया है जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लाइक दीज आर आर टे ओके अपने टिप्स पे फिंगर रखिए कहाँ हैं आपके नाउ दिस आर हेयर हेयर एंड ईयर नोज एंड चिन दिस इज चिन ओके नेक्स्ट इज फोर हेड दिस इज आर फोर हेड एंड शोल्डर दीज आर आर शोल्डर एंड नेक दिस इज आर नेक नेक्स्ट इज आइस ये हमारी आइज होती है ओके वी आर हैविंग टू आइस ओके दिस इज पाम पाम यानी कि हथेली ओके एंड दीज आर हैंड एंड दिस इज आर एल्बो एल्बो यानी कि कोहनी हाथ के तीन हिस्से होते हैं जैसे कि पाम हथेली एंड एल्बो कोहनी और ये हमारा क्या होता है हाथ होता है ओके एंड दिस स्टमक यानी कि जो हमारा टमी होता है हमारा पेट होता है उसको क्या बोलते हैं स्टमक बोलते हैं दीज आर आर लिप्स ओके एंड दीज आर फुट फिंगर फिंगर यानी कि उंगलियां कितनी उंगलियां होती हैं हमारी कितनी एट ओके टू थम एंड एट फिंगर्स एंड दिस इज थम थम यानी कि अंगूठा ओके नेक्स्ट इज लेग एंड एंकल एंड हील जो हमारी एडी होती है पैर की फुट की उसको क्या बोलते हैं हील ओके और जो टकना होता है उसको क्या बोलते हैं एंकल एंड टो पैरों के जो अंगूठे होते हैं उसको क्या कहते हैं टो हाथों के अंगूठे को थम एंड पैरों के अंगूठों को क्या कहते हैं टो एंड नी थाई एंड फिट एंड फिंगर्स में ये हमारे क्या होते हैं नेल्स ओके तो ये हमारे क्या है बच्चे बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर के अंग नौ हेयर इज अ क्लास रूम एक्टिविटी रिसाइड द फॉलोइंग पोयम एंड एक्टिंग एज मैंशन विद इन द ब्रैकेट्स लाइक आई हैव टू हैंड्स टू क्लैप विद तो इसमें आप क्या करोगे क्लैप करोगे दिस इज अ राइम ओके दिस इज अ पोएम तो ये हम शुरू करते हैं ओके आई हैव टू हैंड्स टू क्लैप विद वन नोज विद विच टू स्मेल एंड आई हैव वन हैड टू थिंक विद टू लंग्स विच वर्क क्वाइट वेल आई हैव टू आईज देट लेट मी सी आई हैव टू लेक्स डेट वर्क एंड आई हैव टू ईयर्स डेट हेल्प मी हीयर माउथ विथ विच टू टक ओके तो ये पॉइंट आप एक्शन के साथ लर्न करोगे नौ फंक्शन ऑफ बॉडी हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर लेग्स हेल्पर्स टू रन कि हमारे लेग्स हैं उनसे हम क्या करते हैं हम रन करते हैं पैरों की हेल्प से हम भागते हैं किक करते हैं एंड जंप और जंप करते हैं कूदते हैं। हैंड्स एंड फिंगर्स अस टू राइट होल्ड थ्रो पुल पुश एंड राइट हमारे जो हाथ हैं और हमारी जो उंगलियां हैं वो हमारी कैसे सहायता करती हैं इनकी सहायता से हम लिख सकते हैं होल्ड यानी किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं थ्रो किसी भी चीज को फेंक सकते हैं पुल यानी किसी चीज को खींच सकते हैं और पुश धक्का दे सकते हैं एंड राइट लिख सकते हैं ओके okay? तो इस तरीके से हमारे जो हैंड्स हैं और फिंगर्स हैं वो इतना सारा काम करते हैं सी आई स्पीक विद माई माउथ जैसे माउथ से हम क्या करते हैं बोलते हैं आई स्माइल विद माई फेस फेस की हेल्प से हम स्माइल करते हैं आई च्यू विद माई टिथ की हेल्प से हम खाना चबाते हैं च्यू करते हैं ओके ना नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स सम ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी हेल्प अस टू सेंस द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस दे आर कोल्ड सेंस ऑर्गन्स दे आर फाइव इन नंबर कुछ ऑर्गन्स कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को सेंस करने में महसूस करने में हमारी हेल्प करते हैं इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं बच्चों सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं ये फाइव होते हैं पांच सेंस ऑर्गन होते हैं दे आर आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन कौन कौन से फाइव ऑर्गन होते हैं आइज ईयर्स नोज ट एंड स्किन वी कैन सी ही स्मेल टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ आर सेंस ऑर्गन्स और इन सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम देख सकते हैं सुन सकते हैं स्मेल कर सकते हैं किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं सेंस ऑर्गन्स हेयर इज़ द पिक्चर जिसमें आप अलग अलग सेंस ऑर्गन का यूज दिखाया गया है द आईज़ हेल्पर्स टू सी आईज़ सेंस ऑर्गन है हमारी हेल्प करती है द नोज हेल्पर्स टू स्मेल एंड ब्रीथ जो हमारा नोज है वो हमें स्मेल करने में और सांस लेने में हेल्प करता है द टंग हेल्पर्स टू टेस्ट जो हमारी टंग है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं खाने को एंड द हेल्प अस टू हियर जो हमारे कान हैं, उनकी हेल्प से हमें सुनता है द स्किन अस टू टच एंड फील और जो हमारी बॉडी की स्किन है जो त्वचा है उससे हम किसी चीज को टच कर सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं यानी कोई चीज़ ठंडी है गर्म है वो हमें कैसे पता लगता है विद द स्किन तो बच्चे इस तरीके से जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें बहुत चीजें महसूस करने में देखने में हमारी हेल्प करते हैं आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे